नई दिल्ली, राज्यसभा में आज 3/3 बकाया का विधेयक पेश किया गया था, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच तूफानी मुकाबला के बीच सदन को स्थगित कर दिया गया था और इससे पहले कि वह समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए या नहीं, यह वोट दे सकता है। विपक्ष परिवर्तन के लिए एक चयन समिति को बिल भेजना चाहता है। इसका मतलब यह होगा कि वह वर्तमान सर्दियों के सत्र में नहीं मिलेगा, जो शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि वह इस सत्र में बिल पारित करना चाहता है और विपक्ष की बेहतर संख्या के मामले में अपरिहार्य आत्मसमर्पण करने से पहले ऊपरी सदन में बिल पर बहस करने के लिए कांग्रेस के दोहरे मानकों को उजागर करना चाहता है। राज्यसभा, इस विधेयक में त्वरित ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध बनाया गया है और 3 साल की जेल की सजा की सिफारिश की है, जो तलाक से 3 बार कहकर अपनी पत्नियों को तलाक देते हैं। पिछले सप्ताह लोकसभा में रवाना हुए थे, जहां सरकार के पास बहुमत है। भाजपा ने यह संकेत दिया है कि कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक का विरोध नहीं किया है। कानून मंत्री रविशंकर ने कहा, 3 तरकों की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। कांग्रेस एक चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यह बिल लंबित रखना चाहता है। कांग्रेस के दोहरे स्तर का खुलासा किया गया है। प्रसाद ने जोर देकर कहा कि 3 तरक के बिल पारित करना महिलाओं की गरिमा का विषय है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तरक बिल पारित करना महिलाओं की गरिमा का मामला है। कांग्रेस ने आज जोर देकर कहा कि विधेयक को पेश करने के तत्काल बाद विधेयक को चुनौती समिति के पास ले जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी ने सभी सम्मेलनों को तोड़ दिया था। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा, संसद एक रबर स्टैंप नहीं हो सकती है, जिसने अपने पार्टी के कदम का बचाव किया। कांग्रेस का समर्थन वाम और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ने किया था। इसके साथ ही AIADMK और बीजू जनता दल जैसी पार्टियों का समर्थन भी है, जो आमतौर पर सरकार के ऊपरी सदन में पास के बिलों की मदद करते हैं।